हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सभी देव आप से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करेंगे 11 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। मैं ऊपर आया सारण, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह करंट अफेयर, दोपहर को रेलवे का टेस्ट और शाम को हम रात को 9:30 बजे राजस्थान जीके का लाइव टेस्ट करते हैं। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आर्य में कौन सी पत्रिका है जिसके शीर्ष पृष्ठ जो है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडियन डिवाइडर इन चीफ बताकर प्रकाशित किया गया था? कौन सी पत्रिका में प्रकाशित किया गया, जो मेन पेज होता है, मुख्य पेज, उस पर? तो फोर्ब्स राइट आंसर का क्या हो जाएगा, ए टाइम्स मैगजीन में, यानी सी है, टाइम्स मैगजीन जो है उसके जो मुख्य पृष्ठ जो है उस पर नरेंद्र मोदी का फोटो प्रकाशित किया गया था और साथ में क्या लिखा गया था, इंडियन डिवाइडर इन चीफ। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो है कि किस पत्रिका में प्रकाशित शोध के अनुसार विश्व में केवल एक तिहाई नदियों को अपने नेचुरल प्रवाह में बह रही है? ठीक है, जो प्राकृतिक प्रवाह जो उनका है वो एक तिहाई नदियाँ बह रही है, कौन से सर्वे किया गया था, शोध किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेचर जो पत्रिका है उसके एक शोध के अनुसार। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन की हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की प्रसिद्ध खिलौना कंपनी हेमलेज का अधिग्रहण कर लिया? तो राइट आंसर क्या क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है इसने अधिग्रहण कर लिया किसका, हेमलेज का। हेमलेज जो है इंग्लैंड की एक कंपनी है जो खिलौना बनाने का काम करती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। क्वेश्चन नंबर चार कि हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS कोलकाता और INS शक्ति दक्षिण चीन सागर में किस संयुक्त युद्ध अभ्यास में शामिल किए गए थे? तो कौन सा संयुक्त युद्ध अभ्यास था, ग्रुप सेल युद्ध अभ्यास था। तो राइट, ठीक है, ये भारत, अमेरिका, जापान और फिलीपींस के युद्ध वो जो है दक्षिण चीन में ग्रुप सेल नाम से एक संयुक्त युद्ध अभ्यास है, उसमें इनको शामिल किया गया था। राइट आंसर आपका एक नंबर। क्वेश्चन नंबर पाँच कि हाल ही में किस राज्य में देश की पहली महिला नक्सल विरोधी कमांडो यूनिट तैयार की गई? पहली महिला नक्सल विरोधी कमांडो यूनिट, और ये छत्तीसगढ़ में की गई थी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सही उत्तर। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2019 को किस राज्य के लगभग 3.5 लाख नियोजित टीचर्स के समान वेतन संबंधित फैसले को रद्द कर दिया था? और ये बिहार में किया गया था, बिहार राज्य के द्वारा। राइट आंसर आपका एक नंबर। क्वेश्चन नंबर सात कि ATP रैंकिंग में महिला की रैंकिंग में किसे पहला स्थान दिया गया है? ATP रैंकिंग में महिला की रैंकिंग में पहला स्थान किसको मिला है, नायोमी ओसाको को, ओसाका को। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सही उत्तर। और ATP रैंकिंग में पुरुषों की रैंकिंग में पुरुषों में पहला स्थान है वो किसको दिया गया था, ये नोवाक जोकोविच को पहला स्थान मिला था पुरुषों में, और महिलाओं में पहला स्थान मिला था नायोमी ओसाका को। तो इसका राइट आंसर एक नंबर। अगला है कि श्री राम पृथ्वीराज जैसी फिल्मों में काम करने वाले बंगाली अभिनेता का नाम क्या था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? और हाल ही में बंगाली अभिनेता मृणाल मुखर्जी का निधन हुआ है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 कि ओडिशा कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय है उसमें वॉइस चांसलर के रूप में काम किया था एकर शास्त्री ने 1981 से 1985 के बीच में, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम था वेदनाथ मिश्रा। ओके गाइस, तो ये थे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। और इस तरह की डेली हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस करते हैं, 12 बजे हम रेलवे का लाइव टेस्ट करते हैं, 3 से 4 मैथ का, और 9:30 बजे राजस्थान जीके का लाइव टेस्ट। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।